हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बनाएंगे जन्माष्टमी के अवसर पर पंजीरी और पंचामृत। तो उसके लिए हमने पैन में घी डाला, फिर उसमें डाल दिया है हमने धनिया, जो हमने पहले से ही अच्छे से साफ करके पीस लिया है। और ये देखिए, हमने धनिए को धीरे धीरे बिल्कुल स्लो गैस पे अच्छे से सेक लिया है और इसको कर दिया है हमने थाली में ट्रांसफ़र। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, वाओ वेरी गुड। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। और चीनी को ऐड करने के बाद ये देखिए, जो ये ड्राई फ्रूट है ये मैंने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए हैं। ये ताल मखाना, काजू और ये खरबूजे के बीज हैं, ये बादाम हैं और किशमिश, और ये नारियल का बुरादा, और ये है पिस्ता। तो इन सभी को हम कर लेंगे अभी इसमें धनिए में और चीनी में मिक्स। और अब इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। देखिए ऊपर से डाल देते हैं मिश्री, और मिश्री को डालने के बाद इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। और हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे पंचामृत। उसके लिए हमने एक बाउल में डाल ली है पहले से ही चीनी और गाय का कच्चा दूध, आप भैंस का दूध भी ले सकते हो। और हमने चीनी को उसमें मिक्स करना है, फिर ये डाल दिया उसमें हमने गाय के दूध से, जो मैंने दही बनाया था उसको ही इसमें अच्छे से कर दिया है मिक्स। देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच शहद। ये देखिए, शहद को भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये डाल देते हैं इसमें ताल मखाने, और ताल मखानों के बाद इसमें अब डालेंगे हम तुलसी के पत्ते। और अब हमारा पंचामृत बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और कान्हा जी के लिए हमारा भोग बिल्कुल ही रेडी है। ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा भोग बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।